Terming AMU VC's warning unfortunate, BJP on Friday said that it's vice chancellor's responsibility to maintain the secular character of the university and accused local parties of trying to give it a communal color. आप देखिए वाइस चांसलर यदि किसी वर्क के दबाव में आकर इस तरह की बातें कहते हैं मैं समझता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा क्योंकि यूनिवर्सिटी को किसी संप्रदाय के साथ जोड़ के देखना और जो महाराजा महाराजा प्रताप को जो श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ जो कार्यक्रम आयोजन करने की जो बात है उसको किसी प्रकार की सांप्रदायिक रंग देना मैं समझता हूँ ये उत्तर प्रदेश के वहाँ की पार्टियाँ हैं लोकल जो शासन है और कुछ समुदाय के लोगों का भी इसके पीछे हाथ हो सकता है वाइस चांसलर ऑफ़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जमीरुद्दीन शाहडे रोड लेटर टू द एच आर डी मिनिस्टर स्मृति ईरानी वार्निंग ऑफ फर कमलजेपी कोट राजा महेंद्र प्रताप बर्थ एनिवर्सरी एन एम यू कैम्पस वहाँ की वाइस चांसलर की रिस्पांसिबिलिटी है कि सांप्रदायिक माहौल को सही मेनटेन करना वहाँ के अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा दिवालापन मुझे नज़र आता है जब इस प्रकार की बातें कहते हैं कि वहाँ आप सेलिब्रेशन नहीं कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी को जो एस्टैब्लिश करने में जिसका बहुत बड़ा महत्व और बहुत बड़ा योगदान हो उस पर इस प्रकार की दबाव बनाकर इसको रोकना मैं समझता हूँ वहाँ की जो भी इसके पीछे हैं उनके लिए उनके तरफ से एक दिवालापन का को दर्शाता है ऐसा राहुल गांधी ऐसे बयान बार बार कहते हैं उत्तेजित बयान देखते हैं और अगले सुबह उठते ही वो भूल जाते हैं ऐसे तो बयान बहुत बार कर चुके हैं तो मैं समझ नहीं समझता हूँ कि देश की जनता या दिल्ली की जनता उनके इस तरह के बयानों को बहुत सीरियसली नहीं लेती है क्योंकि राहुल गांधी खुद एक एक, एक सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है अब देखिए वहाँ जो जिस प्रकार की घटना कल कल हुआ जिस आतंकवाद की तरफ से जो घटना कल हुआ और आज भी जो फायरिंग हो रहा है तो मैं समझता हूँ हमारे सुरक्षा बल इसको मुँह जवाब दे रहे हैं तो पाकिस्तान एक तरह से कॉर्नर हो चुका है पाकिस्तान दबाव में है तो उस दबाव से अपने आप को थोड़ा अलग करने के लिए इस तरह के हरकतें करते आ रहे हैं तो लेकिन हमारे सुरक्षा बल इन सभी कोशिशों को आ, हर प्रकार से इसको नाकाम करके आ, सुरक्षा वहाँ स्थापित करने में पूरी तरह आ, सक्षम है और वहाँ जिस माहौल में चुनाव हुए हैं अभी पहला चरण का जो चुनाव हुए हैं वैसे ही आगे चरण भी होंगे इसके लिए आ, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है तो कोशिश तो जारी है माहौल वहाँ बिगाड़ने के लिए बट लेकिन वो सक्षम नहीं होंगे और जिस प्रकार मोदी जी ने बिहार में जब उनकी लोकसभा चुनावों के दरमियान उनकी रैली में वहाँ एक तरफ बम विस्फोट होते हुए भी उन्होंने अपनी कार्यक्रम को जारी रखा वैसे आज भी वो जम्मू में मीटिंग्स कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ वो आ, आ, पूरे भारत को और भारत आ, की जनता को इस बात पर गर्व है पावर्ड बाय एनआस